हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जार्विस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात किया था, और उसके बाद में हमने यहाँ पे ऐसा भी बोला था कि टोटल तीन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, राइट, ऑन डिपेंड ऑफ इलेक्ट्रो कंडक्टिंग वायर, राइट। यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, तो कि स्ट्रेट वायर ले रहे हैं जिस जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होगा, राइट। और जैसे यहाँ पे आपको सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में अभी यहाँ पे देखो कोई करंट यहाँ पे नहीं पास हो रहा है। अगर करंट पास नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेट नहीं बना है अभी तक। पर जब यहाँ पे हम करंट पास कर रहे हैं, तो अभी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए। कैसे चेक करेंगे कि यस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और यहाँ पे वायर क्या है, स्ट्रेट वायर है, राइट। अभी स्ट्रेट वायर के नियर में अगर हम कंपास ले जाते हैं और यहाँ पे उसका नीडल अगर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जो होगा स्ट्रेट वायर क्या हो गया होगा, अभी इलेक्ट्रो मैग्नेट बन गया होगा, राइट। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, राइट, उसकी फील्ड रेस कैसे होंगे। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, तो कि एक कार्डबोर्ड ले रहे हैं जिसके अंदर से ये वायर पास कर दिया। ये जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर हम आयरन फाइंस डाल देते हैं, यानी कि आयरन का एकदम छोटा सा बारीक सा पाउडर अभी यहाँ पे हमने स्प्रेड कर दिया। अब जब हम यहाँ पे पावर ऑन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे देंगे, तो ये जो स्ट्रेट वायर है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। ऑब्वियसली मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी हमें यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आयरन फाइंस डाला था, वो आयरन फाइंस है वो क्या कर रहा है, अभी देखे तो धीरे धीरे से वो शेप ले रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यस, यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह जैसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, उसमें सब सिंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल सेंटर वाले सब सर्कल्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी देखे तो अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं पूछूँ कि यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो आप कुछ बता पाओगे नहीं सर, ऐसे कैसे बता पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अभी करंट का पासिंग का डायरेक्शन जो है वो x टू y ले लेते। आप बोलोगे सर x y कहाँ पे, कोई बात नहीं, ये जो स्ट्रेट वायर है ऊपर की तरफ इसको x दे देते, नीचे की तरफ y दे देते। अभी यहाँ पे करंट x टू y की डायरेक्शन में है, तो ये जो फ्यूम्स हमें यहाँ पे फिलिंग्स जो है, आयरन का फाइन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन है किसका डायरेक्शन, करंट, हमारा जो करंट है उसका डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते, यानी कि वाई टू एक्स कर देते, कैसे होगा ये, कुछ नहीं सर, यहां पे जो भी बैटरी रहती है उसका प्लस और माइनस का जो नेटवर्क रहता है, जो भी केबल रहता है, उसको इंटरचेंज कर दीजिए, राइट, यानी कि करंट जो होगा इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे करंट देखे तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो कार्बन हमने फाइंस डाला था, तो उसका डायरेक्शन क्या दिख रहा है, यानी कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या दिख रहा है हमें, तो कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अभी हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, दिख रहा है आपको, राइट। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड लाइंस जो है उनका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे हमने बात किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैपेसिटी बढ़ा दे तो ज्यादा फील्ड लाइंस मिले, या फिर कैपेसिटी घटा दे तो कम फील्ड लाइंस मिलेंगी, यस पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे हमने समझो कि 2 वोल्ट का बैटरी यूज किया है, अगर उसकी जगह पे हमने 4 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो भी फील्ड लाइन्स है उससे डबल फील्ड लाइन्स हमें मिलेंगी। अगर 1 वोल्ट का यहाँ पे अगर बैटरी यूज करते हैं, तो जो भी फील्ड लाइन्स है उससे हाफ फील्ड लाइन्स हमें मिलेगी, राइट। जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि फील्ड लाइन्स डिपेंड करता है ऑन द सप्लाई ऑफ करंट, यानी कि अगर करंट का सप्लाई बढ़ जाता है तो फील्ड लाइन्स भी बढ़ जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है किसके ऊपर, तो कि एक तो करंट के ऊपर, करंट का जो भी अमाउंट रहता है उसके ऊपर, और करंट का जो डायरेक्शन रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रो कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर का, राइट। थैंक यू।